हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा थोड़े नाल गल करांगे कॉमर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़। प्लस वन लैवल दे उत्ते बच्चों के ना रिलेटेड जो फर्स्ट टॉपिक थोड़े नाल मैं डिस्कस कर रहा हूं आज दिस वीडियो दे विच, दैट इज़ रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। भारत विच व्यापार अते विनेस दा इतिहास, ये बारे आप गल करते हैं अभी वीडियो डिटेल गल करा। लैट्स मूव हैड विद मी टू डिस्कस टूडेज कॉन्टेंट। यस स्टूडेंट्स, किसी भी देश के लोगों का जो आर्थिकता का आधार रहे ने वो ट्रेड एंड कॉमर्स रहे ने। शुरू तो ही जो भी मनुखी सभ्यता एग्जिस्टेंस आई तो मनुखी सभ्यता का विकास होता गया। ट्रेड एंड कॉमर्स के बेस के उपर ही कोई भी सभ्यता अगे विकसित होती चली गई। आज साढ़े टॉपिक दे विच क्योंकि साड़ा इशू है गल करन दा, वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। भारत विच व्यापार ते बिजनेस का इतिहास की सी। एक गल साफ होनी चाहिए है तुहानू कि किसी भी देश के जेकर व्यापार का या बिजनेस का असी इतिहास के बारे जानना है, एक गल साफ है कि उस देश का व्यापार मेनली डिपेंड करता है उस देश की जोग्राफिकल लोकेशन की है तो उत्थे दा वातावरण या एनवायरमेंटल कंडीशन किहोजियां ने। इंडिया के बारे सारयां नूं पता है बेटे कि जो इंडिया है वह इहदे नॉर्थ दे विच हिमालयन रीजन है, पहाड़ ही पहाड़। साउथ दे विच वाटर बॉडीज़ ने बहुत सारिया समुंदर, ते देश दे विच भी इंटरकनैक्टड बहुत सारिया नदियां ने। तो इस ढंग के नाल इंडियन जिहड़ी जोग्राफिक और लोकेशन है फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वधिया लोकेशन है स्टार्टिंग तो ही है। एक गल होर, अज जदों असीं हिस्टरी की गल करांगे, मैं 1947 तो बाद देश आज़ाद होया मैं उहदी गल नहीं कर रहा मेनली। अज साडा मेन जिहड़ी शुरुआत होएगी इस इशू तो होएगी कि जदों साडा देश अज तो लगभग 2000 साल पहला एक विशाल देश सी, दुनिया दे विच इहदा अपना एक रुतबा सी। साड़ा देश जिसनों अजकल बंगलादेश के नाम नाल जानते हैं, इस तो इलावा नेपाल, ये नाल नाल असी कह सकते हैं भूटान, उसके नाल ही तुसी गल करोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस सारा का सारा रीजन ईवन उस तो भी अगे तक साड़ा देश फैलिया हुआ सी अज तो 2000 साल पहला या उस तो बाद पहला के भी वक्फे की गल करिए। स्टूडेंट्स आओ गल करते हैं हिस्टरी के रिगार्डिंग साढ़े देश के कॉमर्स के ट्रेड के बारे। पर एक गल साफ तुहानू मैं दसदा कि ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे एक कन्फ्यूजन मन च ना पैदा हो जाए कि मैं दो शब्द यूज कर रहे हैं। अज के टॉपिक नू डिस्कस कर रहे हैं दोनों का मतलब आलमोस्ट असी सेम मन के चलांगे कि व्यापारिक क्रियावां या व्यापार, पर फिर भी दोनों च लिटल बिट डिफरेंस है। आओ इहदे बारे तुहाडे नाल मैं गल कर रहा। यस स्टूडेंट्स, ट्रेड रेफर टू एज अ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इनवॉल्व्स बाइंग एंड सैलिंग different goods and services between two or more parties involved in the transactions. It can be bilateral or it can be multilateral. मतलब की है ट्रेड जिसनों असी व्यापार कहने, व्यापार का मतलब एक अजही आर्थिक क्रियावान ने, आर्थिक का मतलब जो पैसे नाल संबंधित, जिस दे विच वस्तुआं ते सेवावां दा लेन देन होंदा है, खरीदना या वेचना शामिल होंदा है दो या दो तो ज़्यादा पार्टीज़ दे विच। ये जिहड़ा ट्रेड है व्यापार है बायलैटरल मतलब दो पार्टीज़ दे विचकार भी हो सकता है, मल्टीलैटरल मीनस दो तो ज़्यादा पार्टीज़ भी इनवॉल्व हो सकदियां ने। और दूसरे पासे गल करते हैं असी कॉमर्स की। कॉमर्स का मतलब की है, कॉमर्स इनवॉल्व ऑल द एक्टिविटीज़ दैट हैल्प्स इन प्रमोटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्यूफैक्चरर टू द लास्ट कस्टमर्स। इट इंक्लूड्स बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवरटाइजिंग, मार्केटिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। कॉमर्स जदों की व्यापार नालों एक इनलास्ड खेतर है, ज़्यादा गतिविधियां का एक सामूहिक रूप है। कॉमर्स के विच वो सारिया एक्टिविटीज़ या क्रियावान आदि ने जो गुड्स के सर्विसिज के वटांदरे के व्यापार करन दे विच या ट्रेड करन दे विच हेल्पफुल होंदिया ने, वस्तु नू बनान तो लेके अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचन तक, जिस दे विच बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवाजाई नाल संबंधित,
एडवरटाइजिंग विज्ञापन किसी चीज़ की प्रसिद्धि करवानी, वेयरहाउसिंग वस्तुओं स्टोर करना, तो इंश्योरेंस ते होर मार्केटिंग वर्गे कॉन्सैप्ट भी यदा हिस्सा होंगे ने। जिथे तक भारत के असी व्यापार ते विनिज के इतिहास की गल करते हैं तो साफ है कि बहुत पुराने समय तो लगभग 2000 साल या उस तो भी पहला साढ़े को बहुत सारिया पुरानिया जिहड़ियां सिविलाइजेशन मिलिया ने, सभ्यतावान मिलिया ने, जिदे विच हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो वर्गे जिहड़े सिटीज़ देखण नूं मिले, उन्हां सभ्यतावान दे विच ही सानूं अहसास, उन्हां सभ्यतावान नूं ही देख के सानूं अहसास हुंदा है उस टाइम दे जो सानूं तरह तरह के प्रूफ सानूं जमीन दे विचों एक खुदाई करन तो बाद प्राप्त होए कि उस टाइम भी व्यापार जो भारतीय खेत्र दा सी दुनिया दे विच लगभग टॉप मोस्ट कंट्रीज़ दे विच साडा देश दा नाम शामिल हुंदा सी व्यापार दे पद्धर ते। उदों भी व्यापार मैसोपोटामिया जो यूरोप ते सेंट्रल एशिया तक दे देशां तक फैली हुई सभ्यता सी उत्थे तक भी साडा व्यापार उस समय हुंदा सी। क्लीयर, सानू रिटन प्रूफ देखण नूं मिले ने इतिहासिक तौर ते, उन्हां इतिहासकारां दी कलम तो उन्हां दी किताबां दे विचों सानू देखण नूं मिले। एक गल स्पष्ट हुंदी है कि साडे देश दे विच जो रोड्स का एक नैटवर्क बनया हुआ सी, और रोड्स का नैटवर्क साढ़े देश के व्यापार नू रोड्स के द्वारा सिल्क रूट नाल जोड़दा सी। दूसरे पासे जो स्पाइसिस रूट सी, स्पाइस रूट जिसनू कहने हैं, जो समुद्री रस्ता सी दुनिया के वख वख देशों के नाल व्यापार करन दे लई, उस दे नाल भी पोर्ट के थ्रू जिनू असी बंदरगाह कहने हैं, समुद्र के किनारे उस स्थान जिथे समुद्री जहाज खड़े होंदे ने, उन्हां नाल जोड़न दा काम करके दुनिया के वख वख देशों नाल साडा व्यापार हुंदा सी। भारत के इतिहासिक पक्ष तो देखिए तो व्यापारिक पद्धर से दुनिया के वख वख देशों नाल तुलना करते हुए पता लगता है कि साडा देश टॉप मोस्ट इकोनमीज़ दे विच हुंदा सी पुरातन समय के। अज के टॉपिक का एक होर महत्वपूर्ण हिस्सा है, दैट इज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, देसी बैंकिंग प्रणाली। पुरातन समय की गल करते हैं तो व्यापार वस्तुओं का जो लेन देन हुंदा सी ए ओ हुंदा सी वस्तुओं का वस्तुओं नाल लेन देन, उदों अज की तरह पैसे या रुपए नहीं सी, बैंक नाल एवें पेमेंट्स नहीं हुंदियां सी। स्टार्टिंग दे विच जदों मनुखी सभ्यता ने वस्तुओं का लेन देन मनुख ने एक दूसरे नाल करना शुरू किया, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता सी, वस्तु वटांदरा प्रणाली, एक वस्तु देनी दूसरी वस्तु ले लेनी। पर उहदे विच बड़ियां प्रॉब्लम आईयां कि किस वस्तु का मुल दूसरे वस्तु की किन्नी मात्रा दे नाल फिक्स किया जाएगा, ना उहदे विच ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सैप्ट सी, ना डिविजिबिलिटी का कॉन्सैप्ट सी, असी उन्हां वस्तुओं नूं वंड भी नहीं सकते सी। फॉर एग्जाम्पल एक एनीमल नूं असी कणक के बराबर मापना है तो एनीमल नूं हाफ नहीं कर सकते सी, इहो जिहियां कुछ समस्यावां सी। बार्डर सिस्टम की एक समस्या होर सी कि को इंसीडेंस अचानक हैपनिंग होना कि वह व्यक्ति का मिल जाना जदों जिस व्यक्ति नूं वस्तु चाहिए है दूसरे व्यक्ति को है। बार्डर सिस्टम दी प्रॉब्लम नूं देखदे हुए ज्यों ज्यों मनुखी सभ्यता का व्यापार का ते जिहड़ा कॉमर्स का विकास होया तां साढ़े सामने जिहड़ा मैटल क्वाइंस आए, सिक्कियां दे रूप दे विच क्वाइंस प्रचलित होए। उस दे नाल ही तुसीं देखोगे कि समें दे नाल नाल फिर पेपर करंसी भी आ गई, अजकल तुहाडे सामने बैंकिंग जिहड़ी करंसी है जिहनूं प्लास्टिक मनी कहिंदे आ उह भी प्रचलित है, ते वर्चुअल करंसी भी आने वाले समय दे विच हो सकदा है साकार रूप बन जाए। इस समय के नाल नाल जो बैंकिंग सिस्टम सी उहदे विच भी चेंज होया। पुराने समय की जो गल करते हैं तो पुराने समय के जो बैंकिंग सिस्टम सी जो साडे देश दे विच प्रचलित सी पिंड पिंड तक फैलिया हुंदा सी, उस एरिए दे जो अमीर व्यक्ति हुंदे सी व्यापारक तौर पर या दूसरे ढंगा दे नाल दूसरे के कम्मां दे लई लोगों की हैल्प करते सी विद मनी, पैसा उधार देंदे सी, ते बदले दे विच ओ काफ़ी मोटी मात्रा दे विच व्याज भी चार्ज करते सी, इंट्रस्ट चार्ज किया जाता सी। परंतु वो बड़े सक्सैसफुल बैंकर दे रूप च काम करते रहे जिन्हां नूं नगर सेठ दे नाम नाल जाने जाता रहा, तो वो जिहड़े व्यक्ति हुंदे सी वह लोगों तो जो उन्हों का समान हुंदा सोना चांदी गहने वगैरह उन्हों तो अपने कोल गिरवी रख लेंदे, तो बदले के उन्होंने पैसे उधार दे देंगे। इस तरह का बैंकिंग सिस्टम चलता से। इस तरह इलावा व्यापार की गुडविल के अनुसार भी व्यापार कितना बैटर चलता वो अकॉर्डिंगली भी वह लोगों उस समय पैसा उधार देंगे सी जिवें अजकल सानू बैंक देंगे ने। सो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बारे जो देसी बैंकिंग प्रणाली सी इहदे बारे बहुत सारे फॉरनर्स भी इत्थे आए ने, उन्होंने लिखिया बुक्स नू उन्हां दी पढ़ के पता लगता है, चाहे वह डच फिलोसफर्स आए ने, चाहे इतिहासकार जिहड़े हिस्टोरियन ने यूके तो आए, उन्हां दीआं बुक्स दे विच साफ देखण नू मिलदा है कि इंडियन जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम सी उस समय स्ट्रोंगेस्ट सी। यही कारण सी कि 1500 तक
साल 1500 AD 1500 तक साढ़े देश के दे इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी स्ट्रोंग सी। स्टूडेंट देसी बैंकिंग जो प्रणाली सी इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम जिन्ना भी पैसे का उधार लेन देन हों क्रैडिट जो ट्रांजैक्शन होंदियां सी उदी फाइनल उधार लेना उधार देना उन्हों करन दे लई लिखती डॉक्यूमेंट होंदे सी जिन्हां नूं असीं नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नाल जानदे आ। उस समय जो डॉक्यूमेंट सब तो ज़्यादा प्रचलित सी उह सी हुंडी एंड चिट्टी। इंडियन हुंडी जो डॉक्यूमेंट सी वह दुनिया के विच उहदी गुडविल बड़ी सी बड़ी मानते सी कि जिवें सूरत की हुंडी सारे कितें मशहूर होंदी सी कि अजिहा डॉक्यूमेंट जिसनों यह मनाया जाता है कि जेकर किसी व्यक्ति ने सूरत च हुंडी लिखी है दिस मीनस वह पेमेंट करेगी करेगा पेमेंट इज़ आलमोस्ट 100% सिक्योर्ड। तो हुंडी ते चिट्टी के बारे डिटेल दे विच एक अलग वीडियो है तुसी उसनों इस चैनल दे देख सकते हो। तो आओ गल करते हैं इस तो बाद अगे वधदे हुए अज दे इस टॉपिक दे विच वो है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज विचोलियां दा विकास। देखो ध्यान नाल मेरी गल सुनो व्यापार नूं जेकर अगे लेके जाना है असी डिवेलप करना है बिजनेस नूं ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ नूं तां जरूरी है कि उहदे च बहुत सारे हैल्पिंग हैंड्स होन जो डिफरेंट पार्टीज़ नूं व्यापार नूं अगे लेके जाण दे विच कोआर्डीनेटर दे रूप च काम करन उहनां कमीशन बेस्ड यानी कि वह फ्री च काम करदे ने उह सेवावां अपनियां फ्री च नहीं दिंदे। उस समय भी पुराने समय तो ही असी जेकर नज़र मार के देखिए डिफरेंट जिहड़े इंटरमीडियरीज ने विचोलिए ने वो एग्जिस्टेंस दे विच आए जिन्हां नूं दलाल आड़तीए जगत सेठ बैंकर डिफरेंट नाम दिते गए। दो बिजनेस जो पार्टीज होंदियां सी उन्हां दे विच समझौते कराना पैसे का लेन देन करवाना बिजनेस दीआं गुड्स एंड सर्विसिज नूं एक दूसरे नूं ट्रांसफर करना कस्टमर लभ के देना इहदे विच जिहड़े इंटरमीडियरीज सी विचोलिए इहनां दी अहम भूमिका रही। इंडिया के जोड़े इंटरमीडरीज ने वह इंडियन व्यापार में पुराने समय के उचाइया लेके जाने बड़ी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। स्टूडेंट्स वन थिंग मोर जो इंटरमीडरीज मेनली इंडियन बिजनेस सोसाइटी के देखने मिलते सी जिन्होंने मैं आड़ती कह रहा जस्ट लाइक कमीशन एजेंट्स दलाल मतलब ब्रोकरस इस तरह डिफरेंट टाइप के जोड़े इंटरमीडरीज ने ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ। ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਜਗਤ ਸੇਠ ਪਲੇਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਫੋਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ। ਦੇ ਵਰ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਐਂਡ ਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਜਗਤ ਸੇਠ ਜੋ ਨੇ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤ ਸੇਠ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਆ ਦੇਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। Students, when we are talking about the history of Indian trade and commerce, one important aspect is transportation. ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੂਸਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ GT ਰੋਡ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ
समुद्री रस्तियां नाल जोड़न दे लई भी रोड नैटवर्क बड़ी महत्वपूर्ण पोजिशन रखता सी। फ्रेंड्स हुण गल करदे हां ट्रेड थ्रू सी समुद्री रस्तियां द्वारा व्यापार, जिथे देश दे विच अंदरूनी व्यापार दे लई इंटरनल जिहड़ी नैटवर्किंग सिस्टम सी ओह रोड नैटवर्क बड़ा डिवैलप सी। पुराने इतिहास ते नज़र मार के पता चलता है बाहर दे देशां दे नाल ट्रेड करन दे लई साडा जो सी रूट सी, जो सी पोर्ट बनिया हुई सी जिन्हों बंदरगाह कहते हैं, जिथे समुद्री जहाज खड़े होंगे ने, सी पोर्ट भी पुराने समय तो ही डिवेलप चले आ रहे हैं। केरल की जो कोची पोर्ट है पुरातन समय तो ही चाइना तो अफ्रीका दे नाल व्यापार करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप के डिवेलप हो चुकी सी। इस तो इलावा तमिलनाडु के कांची पोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती सी। इस तरह कालीकट जो बंदरगाह है पोर्ट उस समय बहुत डिवेलप सी। सो जो समुद्री रस्ते सी उन्हां तक वस्तुओं नू रोड नैटवर्क द्वारा समुद्र के किनारे तक पहुँचाना जां समुद्र तो देश दे अंदर पहुँचाना ते बाहर दे देशां दे नाल जो ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंदियां सी उहदे विच सी रूट्स इंपॉर्टेंट भूमिका पुराने समय तो ही निभांदे आ रहे ने। इस दे बारे एक गल होर ध्यान नाल मैं इत्थे सांझी करना चाहुंदा कि जिथे मैं गल कर रहा कि साडे देश दे अपने इंटरनल सी रूट ते रोड नैटवर्क डिवेलप सी, उस समय हिस्टरी जदों असी गल करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की तो दो रूट बड़े प्रचलित सी साडे सारे रीजन दे विच, एशियन रीजन दे विच जो यूरोप तक फैले हुए सी, ओ सी सिलक रूट ते दूसरा सी स्टूडेंट्स स्पाइसिस रूट जिन्हों मसालियां दा रस्ता कहिंदे ने। सिलक रूट रोड नैटवर्किंग दा रूट सी, जो स्पाइस रूट है ये सी रूट का एक नैटवर्क सी जिसके द्वारा उस समय पुराने समय के ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ बड़ी हायर लैवल ते अपने पीक पॉइंट के उत्ते पहुँच चुकिया सी। सब तो पहला गल करते हैं सिलक रूट की। सिलक रूट जो चाइना तो लेके यूरोप तक फैलिया हुआ एक रोड नैटवर्क से जिस दे विच इंडिया तुसी देख रहे हो रेड लाइन के नाल, परशिया जिन्हों अजकल ईरान के नाम नाल जानते हैं, अरेबिया सारे अरब कंट्री जड़े ने अजकल, उस सारा का सारा रीजन इस तरह अफ्रीकन कंट्री नाल जिदे विच सोमालिया, एशिया का हिस्सा है इजिप्ट, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ ने चाहे इटली है स्पेन है क्रोएशिया है डिफरेंट कंट्रीज़ के नाल उस समय जो रोड नैटवर्किंग का एक ढंग से रूट से जिस दे नाल व्यापार बहुत तेज़ गति हो रहा है उस समय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता सी ओ सी ए सिल्क रूट जिसनों मैं रेड लाइन नाल इस नक्शे च दिखाया। इस तो अलावा नीचे तुसी देख रहे हो दूसरा ट्रेड एंड कॉमर्स की ग्रोथ दे विच हिस्टरी दे पक्ष तो देकर देखिए जिस रूट ने सब तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो सी रूट ते इस रूट का नाम सी स्पाइसिस रूट या स्पाइस रूट मसालियां का रस्ता कहिंदे सी क्योंकि एशियन देशों तो यूरोपियन कंट्रीज दे विच अरेबियन कंट्री दे विच जो इधर देख रहे हो तुसी इजिप्ट अरेबिया सोमालिया इन्हां देशों तक जो सारे तरह के मसाले होंदे सी उस सारे दे सारे इस रूट के द्वारा भेजे जाते सी। कल्ले मसाले नहीं, मसाले मेनली सी इस करके दा नाम स्पाइसिस रूट है, स्पाइसिस मीन मसाले, पर सारा ट्रेड जो समुद्र के रस्ते नाल हुंदा सी इन्हां रस्ते नाल हुंदा सी। इंडिया दे विच तुसी देख रहे हो निचले पासे इंडिया दे जेकर देखा जाए केरल दे विच कोची जो बंदरगाह है उस समय बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते सी चाइना या दूसरे देशों नाल व्यापार करने के लिए। इसी तरह ब्लू लाइन नाल तुसी देख रहे हो कि चाइना तो शुरू होकर इवन जापान तक फैलिया हुआ सी स्टूडेंट, जापान चाइना जावा इंडोनेशिया इंडिया श्रीलंका अरेबिया पर्शिया सोमालिया इजिप्ट इस दे नाल जिहड़ा मेन सी एक मेडिटेरेनियन सी जिसनों असी भूमद सागर के नाम नाल जानते हैं जिहड़ा कि सारे एशिया के देशों यूरोप के नाल व्यापार के लिए जोड़ता सी, ये रस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अज दिस लैक्चर के बड़ा इंपॉर्टेंट बट छोटा जहा एक टॉपिक होर है जिस दे बारे मैं गल कर रहा वो है ट्रेडिंग कम्यूनिटी जिसनों व्यापारिक समुदाय कहने। पुराने समय तो ही साडे देश दे विच व्यापारक गतिविधियां दे लई समय समय ते अड अड रीजन दे विच बहुत सारे इहो जे समुदाय जां कम्युनिटीज डिवेलप होईयां जिन्हां ने व्यापार दे खेतर दे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिवेलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। जस्ट लाइक नदरन रीजन है जो उत्तरी खेतर सी उहदे विच पंजाबी ते मुल्तानी, ये लोग बहुत ही स्किलफुल सी
कमर्शियल एक्टिविटीज़ दे विच। इस तो अलावा गुजरात ते राजस्थान दे विच जो भट्स सी ए बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते सी ट्रेड एंड कॉमर्स दे विच। इस दे नाल ही जो वैस्टर्न इंडिया है इहदे विच महाजन ते नगर सेठ, महाजन ते नगर सेठ ए एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ दे रूप दे विच डिवेलप होए। साउथ दे विच जट जिहड़ी कम्युनिटी सी ए बड़ी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया इन्हां ने व्यापारक गतिविधियां दे विच। इस तो इलावा होर भी बहुत सारे जिहड़ियां ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ डिवेलप हुई, बहुत सारे सर्विस सैक्टर के ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ डिवेलप हुई, जो फॉर एग्जाम्पल जिमें लॉयर सी, वैद जिन्हों डॉक्टर्स कहने ने, हकीम, पेंटर्स, इस तो अलावा मजिशियंस, टीचर्स, ये जिन्हों उस टाइम पुराने दे समय दे विच मौलवी, गुरु, इन्हों नाम सर्विसिज वेचन का काम कर दिया सी। उस तो बाद दूसरी गल करते हैं, इस दे नाल ही जुड़ा एक आस्पैक्ट होर आ जाता है कई बार एग्जाम दे विच, मर्चेंट्स कारपोरेशन, व्यापारक निगम। क्योंकि सारे नूं पता है जिमें अजकल वक् वक् व्यापारां दे वर्ग बने हुए ना कि ये मर्चेंट कारपोरेशन है, व्यापारियों का एक संघ है, जिहड़े कपड़े दे व्यापारी ने, इसे तरह मोबाइल दे व्यापारी का संघ, पुराने समय च भी एवें सी, ये कोई अज का ट्रेंड नहीं है स्टूडेंट्स। जिहड़े व्यापारक संघ सी, निगम सी, कारपोरेशन की गल करते हैं, पुराने समय तो ही बने आ रहे हैं, वक् वक् निगम संगठित किए हुए सी, इन्हां दा अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट हुंदा सी, नियमां वाली हुंदी सी, जिस दे अकॉर्डिंगली उस संघ दे या निगम दे मेंबर्स नूं चलना पैंदा सी। जिहड़ा संघ दा मुखी हुंदा सी, हैड ऑफ द कारपोरेशन, उह राजे जां उसदे मंत्रियों नाल मिलके टैक्स संबंधी इशूज़ नूं डिसाइड करता सी कि किन्ना टैक्स लगना है, कदों पे किया जाना है, किस रूप च पे किया जाना है। उस समय दे राजे ते व्यापारियों दे विचकार जो एक कड़ी दा काम करदे सी, जोड़न दा काम वो करदे सी मर्चेंट कारपोरेशनज, जो व्यापारक निगम सी। क्लीयर होगी मेरी गल? अजकल भी इस तरह ही है, गवर्नमेंट ते बिजनेसमैन दे विचकार बहुत सारे संघ बने हुए ने, कॉरपोरेशंस बने हुए ने, जो डिफरेंट पॉलिसीज नूं डिस्कस करके फाइनल करते हैं। सिमिलरली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो जेकर असीं देखते हैं तो ट्रेड एंड कॉमर्स दे विच इन्हां जिहड़ियां मर्चेंट कॉरपोरेशन सी इन्हां दी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक टॉपिक होर है जिस दे बारे मैं तुहाडे नाल गल करना चाहुंदा, वो है टैक्सिस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। हमेशा दी तरह पुराने समय च भी जो रेवेन्यू का आमदन का सोर्स रहा है रूरल क्लास का, राजशाही का या सरकारां का, एनिशंट पीरियड के भी वो सोर्स टैक्सिस रहे हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स के उत्ते डिफरेंट टाइप के जो टैक्सिस इंपोज किए जाते रेवेन्यू का मेजर सोर्स होंगे सी गवर्नमेंट्स का, जिस दे विच ऑक्ट्राई ड्यूटी इंपोज की जाती सी, डिफरेंट टाइप के जो इंपोर्टेड आर्टिकल्स होंगे सी, डिफरेंट टाइप के होर टैक्सिस होंगे सी, कस्टम ड्यूटी अपलाई की जाती सी, फेरी टैक्स लगता सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के उत्ते, गुड्स के उपर, कैटल्स के उत्ते, कार्ड्स के उत्ते, डिफरेंट टाइप के लोकल बॉडी टैक्सिस, लेबर टैक्स भी इंपोज किए जाते सी। यह टैक्सिस कैश भी हो सकते सी, काइंड भी, काइंड मीनस वस्तुओं के रूप भी हो सकते सी। इस तो बाद गल करते हैं मेजर ट्रेड सेंटर्स। पुराने इतिहास से जेकर नज़र मारीे जिस पीरियड की मैं गल कर रहा हैं 200 BC तो लेके 1500 AD के पीरियड के, इस दे दौरान बहुत सारे प्रमुख व्यापारक केंद्र बन के उभरे जो इंटरनेशनल लैवल के उत्ते इंडियन व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। इन व्यापारक केंद्र ने वो डिफरेंट ट्रेड सेंटर्स केड़े सी, आओ उन्होंने बारे गल करते हैं। सब तो पहला स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर आई एम गोइंग टू डिस्कस इज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वॉज नॉट द मेजर कमर्शियल टाउन बट इट्स वॉज अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स फ्रॉम इंडिया। भारत जो स्टोन्स का व्यापार होंदा सी उहदा मेजर ट्रेड सेंटर है। अजकल यह पटना वाला रीजन है जो बिहार के विच है पाटलिपुत्र। इस तो बाद है पेशावर। पेशावर जदों देश आज़ाद होया 1947 तो बाद देश की डिविजन हुई है पाकिस्तान के विच चला गया है सिटी। पेशावर वॉज द मेजर ट्रेडिंग सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वूल एंड इंपोर्ट्स ऑफ हॉर्सेस। इस तो अलावा है तक्षशिला। तक्षशिला इज आलसो द पार्ट ऑफ पाकिस्तान दीज डेज। रावलपिंडी वाला एरिया जिथे तक्षशिला वाला एरिया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया के विच बड़ी मशहूर रही है अपने लिटरेचर के लिए, डिफरेंट टाइप दी बुक्स के लिए, बहुत बड़ा संग्रहालय से किताबों का है। तक्षशिला वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन एनिशेंट इंडिया, हैविंग फाइनैशियल एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इनू बैंक सिटी के नाम नाल भी जाना जाता है। बहुत सारे लैंड रूट्स के विचकार ट्रेड करन दे लई इंडिया ते सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ दे विच फाइनैंशियल हैल्प दे रूप दे विच तक्षशिला बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभांदा रहा है। इट्स आलसो नोन एज बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। तक्षशिला नूं बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग के नाम नाल भी जाने जाता है।
नेक्स्ट सिटी इज इंद्रप्रस्था। इंद्रप्रस्था भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है जो सेंट्रल पॉइंट से पुरातन भारत का दिल्ली के नेड़े वाला रीजन। जिन्हें भी रे सी रूट या रोड रूट्स होंदे सी उन्होंने एक सेंट्रल नैटवर्क या जंक्शन के रूप के चारों दिशावां नूं मिलाउण दा काम करता सी। ईस्ट वैसट साउथ एंड नॉर्थ वह सी इंद्रप्रस्थ पुरातन भारत के। नैक्सट है मथुरा। मथुरा अजकल भी जानते हो तुम यूपी के विच है एक रिलीजियस सिटी। मथुरा भी एक ट्रेडिंग सेंटर से पुराने भारत के। इत्थे दे मेन लोगों का जो ऑक्यूपेशन से ट्रेड करना ही सी। दो ट्रेड सेंटर उस समय ट्रेड रूट्स जोड़े मेन ये गुजरते सी जो कि इसको साउथ तो नॉर्थ के नाल मिलाने का काम करते। इस तो अलावा वाराणसी जिसनों अजक बनारस या दे नाम नाल जानते हैं असी। वाराणसी भी ट्रेड सेंटर से टैक्सटाइल इंडस्ट्री का। वाराणसी का जरा फेमस से ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ से जोड़े। इस तो इलावा जो संदल का हैंडीक्राफ्ट काम से चंदन के उत्ते किया हुआ वह बड़ी दुनिया के व्यापार व्डे पद्धर से होंदा सी। एक सेंट्रली लोकेटड सिटी सी। इस तो इलावा स्टूडेंट सिर्फ इन्ना ही नहीं होर बहुत सारे सिटी मशहूर रहे हैं जिमें एक उज्जैन। उज्जैन भी एक फेमस ट्रेडिंग सेंटर है पुराने समय के। उज्जैन जड़ा तक्षला ते पेशावर नू जोड़न दा काम करन वाला उहदे नाल लैंड रूट्स द्वारा उन्हों सी रूट नाल जोड़न दे काम करन दे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभांदा रहा है। इस तो इलावा सूरत। सूरत गुजरात दे विच आज है टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अज भी फेमस है। जरी दे काम दे लई पुराने समय च भी फेमस रहा है सूरत। सूरत की जिहड़ी हुंडी सी सारी दुनिया के बड़ी मशहूर सी बड़ी गुडविल सी हुंडी की। सारे मानते सी जेकर सूरत के व्यापारी की हुंडी है तो उन्होंने ईजली एक्सैप्ट किया जा सकता है क्योंकि पेमेंट 100% सिक्योर्ड मनी जाती सी। इस तो इलावा स्टूडेंट्स कांची। कांची भी एक ट्रेड सेंटर रहा है पर्ल्स ए ग्लास का रेयर स्टोनस इतों मिलते सी। चाइना नाल जिन्ना व्यापार हुंदा सी एशियन कंट्रीज़ का उहदे विच जिहड़ा सी रूट के रूप के एक पोर्ट के रूप से जिसने काम किया। कांची जो अजकल केरल दे विच एक पोर्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट एक ट्रेड सेंटर रहा है। स्टूडेंट्स इस तो इलावा मिथिला बरोच तमराल पिति ये वक् वक् जिहड़े सिटीज़ ने जो मेन ट्रेड सेंटर बन के उभरे पुराने समय की जेकर गल करिए। यस स्टूडेंट्स आज दे इस वीडियो दे विच तुहाडे नाल एक होर इंपॉर्टेंट गल करदे हां। छोटा जिहा टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडिया फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। वक् वक् प्रोडक्ट या उत्पाद जिन्हों का बाहरले देशों नाल आयात ते निर्यात हुंदा सी भारत दे विच या भारत दे विचों वो किड़े-किड़े सी आओ उन्हां दी गल करदे हां। एक कंप्लीट लिस्ट है तुहाडे सामने इत्थे मैंशन कीती। पहला तुहाडे सामने जो इत्थे दिख रहा है वह ने मेन एक्सपोर्ट्स निर्यात जो साडे देश का बाहर दे देशों नाल हुंदा सी। साडे देश चों बन के चीज़ां बाहर दे देशों नूं जांदियां सी ओह सी स्पाइसिस जिन्हों मसाले कहिंदे ने इंडिगो नील शुगर। इस तों इलावा शीशम ऑयल तिलां दा तेल कह सकदे हैं अफीम वीट कॉटन एनीमल स्किन पर्ल्स क्रिस्टल्स फर्स ग्रेनाइट्स। इस तों इलावा बहुत सारे एनीमल्स का भी देश दे विचों एक्सपोर्ट किया जाता सी बाहर दे देशों नूं चाहे वह एशियन कंट्रीज़ नूं हुंदा सी या यूरोपियन कंट्री तक यह एक्सपोर्ट कीतियां जांदियां सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंडिया तो। इस तों इलावा मेन इंपोर्ट्स की गल करदे हां जो बाहर दे देशों तो आंदा बहुत कुछ सी पर मेजर इंपोर्ट्स की सी गोल्ड सिल्वर कॉपर तो बने हुए समान गहने जिन्हों असी ऑर्नामेंट्स कह सकते हैं। इस तों इलावा होर्सिस चाइनीज सिल्क लीलन कपड़ा है एक ग्लास या ग्लास के बने हुए प्रोडक्ट्स डिफरेंट टाइप के जोड़े इस तरह के प्रोडक्ट्स से ये बाहर के देशों तो साढ़े देश के आयात किए जाते जिन्हों असी इंपोर्ट्स कहने हैं। सो स्टूडेंट्स ये मेन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो इंडिया के समय समय से होंदे रहे हैं। जिथे तक हिस्टरी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया है ये रिलेटिड दो टॉपिक हुंडी टाइप्स ऑफ हुंडी एंड द पोजिशन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स एट वर्ल्ड इन वर्ल्ड इकोनमी। इस दे बारे डिटेल दे विच एक वीडियो इस चैनल दे उते है तुसी उसनों देख सकते हो उस दे विच डिटेल से गल की गई है। अज इस टॉपिक नू लास्ट दे विच लेके जांदा एक दिलचस्प गल तुहाडे नाल मैं शेयर करदा अबाउट बी सी एंड ए डी।
इस दे विच जनरली बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अज 2021 साल चल रहा है, यदा मतलब दुनिया बने नू कि 2021 साल ही होए ने। नो, इस तो पहला भी सी दुनिया कि कोई जीरो साल सी, जिस तो बाद दोबारा एक तो शुरू हो गए, जीरो भी कोई साल नहीं सी। आओ इस दे बारे डिटेल च गल करते हैं। तुसी सामने देख रहे हो जिवें स्टूडेंट्स जो अजकल तुसी ज़्यादातर बुक्स नू पढ़ते हो, उहदे च जो साल ने दो ढंग नाल लिखे होंदे ने, आइदर दे आर मैनशनड विद बीसी और एडी। बीसी दी जो एब्रीवेशन है फुल फॉर्म दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट, एडी दी एब्रीवेशन है एनो डोमिनी, लैटिन लैंग्वेज दा वर्ड है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट तां क्लीयर है, क्राइस्ट तो पहला जो क्रिश्चियंस ने वो अपना गॉड मानते हैं जीसस क्राइस्ट नू। जीसस क्राइस्ट तो पहला वाला सारा पीरियड बिफोर क्राइस्ट। क्रिश्चियन जो मैथियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली जिस दिन जीसस क्राइस्ट नू सूली ते टंगया गया उस दिन एक युग का अंत हो गया, एक नवे युग की शुरुआत हुई जो उन्हों का रीवर्थ मनिया जाता है कि अज भी वह दुनिया के विच हाजिर ने। इस करके जो उस तो बाद दे जिन्ने भी ईयर ने इन द ईयर ऑफ आवर लोर्ड, क्रिश्चियन जो मैथियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली ये मनिया जाता है जिसनों असी एनो डोमिनी, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड के विच एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। उस तो बाद जिहड़ा ये पीरियड चल रहा लगातार ये एडी के नाम नाल है एनो डोमिनी। तो उस तो पहला वाले साल जिन्हें भी सी वो बैक साइड के बाद जिमें ग्राफ लाइन के होंगे जीरो तो पिछे सारे नैगेटिव, पर इस कोई नैगेटिव नहीं सी। जो फर्स्ट ईयर से दैट इज एडी, उस तो पहला वाले सारे एक दो तीन बैक साइड के बीसी के रूप से जाने जाने लग गए। एक गल होर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिहड़ी रिलीजियस डायवर्सिटी है इनू खत्म करने के लिए एब्रीवेशन बीसीई ते सीई भी यूज की जा सकती है। BCE का मतलब बिफोर कॉमन ईरा, तो CE का मतलब कॉमन ईरा। जीसस क्राइस्ट तो पहला वाला पीरियड है उसनों BCE भी लिखा हुआ बहुत जगह पर, तो उस तो बाद वाले पीरियड जिन्हों असी AD कहने उन्होंने एज ए CE भी मैनशन किया जा सकता है। AD नू हमेशा उस ईयर के डिजिट्स तो पहला लिखा जाता है, जो कि BC, BCE, CE ये सारे उस ईयर तो बाद लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 CE लिखना है तो CE बाद आएगा 2020 CE, जे AD लिखना है तो AD 2020 लिखा जाता है। क्लीयर है ना दिलचस्प गल स्टूडेंट्स? दुनिया आज नहीं बनी, दुनिया बहुत सालों तो चली आ रही है, हज़ारों सालों तो। इस तरह इस चैनल पर बहुत सारिया वीडियोज़ ने जिन्हों के बारे तुम डिटेल के जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अज इस वीडियो के भी डिटेल गल की रिगार्डिंग हिस्टरी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। आई थिंक द होल कंसैप्ट इज क्वाइट क्लीयर। जेकर किसी का कोई कंसर्न है नीचे कमेंट बॉक्स जाके कमेंट दे सकता है। इस तो इलावा कॉमर्स न रिलेटेड तो बहुत सारे सोशल इशूज़ से बहुत सारिया वीडियोज़ डिफरेंट सबजैक्ट्स दिन जो कॉमर्स के ने उन्होंने वीडियोज़ इस चैनल पर ने होर भी आदि रहनगियाँ। टिल दैन थैंक यू वेरी मच।